नमस्कार मित्रों, स्टडी विद लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं यूपी त्रिपलसी की तरफ से जो 31 मई 2019 को जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा कराई गई है उसमें कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट हैं और कितने अभ्यर्थी एब्सेंट हैं। आइए, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं वीडियो परीक्षा का रिजल्ट कब आने वाला है। और थर्ड बड़ी जानकारी हम आपको देने वाले हैं कि आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी आईटीआई में प्रवेश अगर आप लेना चाहते हैं तो इसका आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है। आइए, हम आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप पल पल की यूपी त्रिपलसी और अन्य एग्जाम की खबरें पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें मित्रों, और इस वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट खबर पे आते हैं यूपी त्रिपलसी की तरफ से। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी त्रिपलसी में सालवर गैंग की सेदमरी और एक पकड़ा गया जिसका नाम अमित नेहरा है, जो कि एसएससी का पेपर इसी ने ही लीक करवाया था। यहाँ पर एसटीएफ नोएडा की यूनिट द्वारा मंडी पर संयुक्त संवर्ग प्रतियोगात्मक परीक्षा में इसको पकड़ा गया है। सालवर गैंग के छह आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है, और इसी ने 2011-12 में एसएससी का पेपर भी लीक करवाया था। और इसी के साथ साथ जूनियर असिस्टेंट परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है साथियों। इस परीक्षा में लगभग 57% अभ्यर्थी प्रेजेंट हैं, यानी परीक्षा सॉरी 57% अभ्यर्थी एब्सेंट थे इसमें, ठीक है। लिखित परीक्षा छोड़िए, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर 213,202 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से कि मैं आपको बता दूँ 92,490 अभ्यर्थी ही प्रेजेंट थे और 120,712 अभ्यर्थी एब्सेंट थे। परीक्षा का रिजल्ट मैं आपको बता दूं, वीडियो परीक्षा का रिजल्ट आने वाले 2 हफ्ते के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो है वीडियो परीक्षा का रिजल्ट जो है मैं आपको बता दूं, जो है आश्वासन मिला है कि 15 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट खबर पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट खबर आ रही है आईटीआई की तरफ से। आईटीआई में प्रवेश प्रक्रिया इसी हफ्ते शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ आईटीआई में पढ़ रहे अभ्यर्थियों की वार्षिक परीक्षाएँ 10 से 26 जून के बीच सम्पन्न कराई जाएंगी। और आज जो है आईटीआई में रोजगार मेला लग रहा है लखनऊ में, अलीगढ़ में। आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अगर आप आईटीआई किए हैं तो 18 से 35 वर्ष के युवा इसमें भाग ले सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। शुक्रिया।